हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज के सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, चाहे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी से रिलेटेड थ्योरी सेशन एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन सभी चीज़ें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो डेली बेसिस पे जो आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, 8 से 10 हज़ार क्वेश्चंस हैं, और डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता दिलाएगी। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। इन सभी जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल व टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आप सभी रेडी हो जाइए। क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्रो चक्र की अवधिकालीनता की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो मैक्रो चक्र की अवधिकालीनता की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। तो अवधिकालीनता की 3 अवस्थाएं होती है, कितनी? 3। कौन कौन सी होती है? प्रशिक्षण चक्र ट्रेनिंग साइकिल में होती है, मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल। मैक्रो चक्र 3 से 12 माह यानी 1 साल का होता है, जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है, जिसे ट्रेनिंग योजना या वार्षिक योजना भी कहते हैं। दूसरा होता है मीजो चक्र, जो 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह 30 से 45 दिन का होता है, जिसे मासिक ट्रेनिंग चक्र, मासिक चक्र या अवसन चक्र या तैयारी काल भी कहा जाता है। तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसे सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक चक्र, साप्ताहिक योजना भी बोला जाता है। यह सबसे छोटा चक्र होता है, यह 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैयारी काल अवस्था किस चक्र की होती है? तो दोस्तों, मीजो चक्र को तैयारी काल की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, MSR का इंजेक्शन निम्न माह में लगता है। तो MSR का इंजेक्शन जो है 15 माह में लगता है। नेक्स्ट है, रोगाणु नष्ट करने के लिए निम्न विधि को अपनाया जा सकता है। तो रोगाणु नष्ट करने के लिए भौतिक विसंक्रामक, प्राकृतिक विसंक्रामक एंड रासायनिक विसंक्रामक, इन सभी विधियों को उपलब्ध प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है निम्न में से, चेचक, खसरा, तपेदिक, ये तीनों के तीनों वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। एंड जो चेचक है, वह, इसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, यह वेरिओला वायरस के द्वारा फैलता है। एंड जो तपेदिक यानी कि तपेदिक को हम क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस या टीबी भी बोलते हैं, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है, जो फेफड़े श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जो और खांसी, थूक में रक्त आदि इसके लक्षण होते हैं। एंड आपका खसरा जो होता है, यह विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलता है, टोंगा वायरस के द्वारा, रूबेला खसरा, जो संपूर्ण शरीर पर होता है, संपूर्ण शरीर पर लाल दाने, इन दानों को रूबेला या खसरा को कहते हैं। नेक्स्ट है, जल द्वारा फैलने वाला रोग निम्न है, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, इस सभी के सभी जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं। जो हैजा है, जिसे हम कोलेरा भी कहते हैं, विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है हैजा। यह आंत व आहार नाल को प्रभावित करता है, वोमिटिंग एंड दस्त इसका लक्षण है। एंड टाइफाइड जो होता है, जिसे हम मियादी बुखार, मोतीझरा, आंत्र ज्वर आदि कहते हैं, ये साल्मोनेला टाइफी या एबस्थेरा टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड में आंत यानी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, इसमें ज्वर आता है, दुर्बल आंतों में छेद हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है J.F. विलियम्स का। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक,
खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों WHO का। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति निम्न शब्द से हुई है। तो एक काइनिन एंड लोगस, किनेसिस एंड लोगस शब्द से बना हुआ है। तो किनेन का अर्थ होता है गति, लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी गति का विज्ञान। नेक्स्ट है दोस्तों काइनेन शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है गति यानी कि चलना। नेक्स्ट है ओलंपिक मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस किसने दिया? तो इसको दिया है फादर हेनरी डिरान ने, जिसका अर्थ होता है फास्टर हायर स्ट्रांगर, और तेज और ऊंचा और बलशाली। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मानव का बालक का संपूर्ण विकास करना है, बट यहाँ दूरस्थ उपयोग है अच्छे मानव संबंधों का विकास करना। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो प्राथमिक उपचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है, सबसे पहले उस सुविधा से आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद जस्ट आप ले जाएंगे डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी उपलब्ध हो उसके उपचार से जीवन बचाना प्राथमिक उपचार में आ जाएगा। नेक्स्ट है किस संक्रामक रोग को हंसेस रोग भी कहा जाता है? तो दोस्तों कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी जो होता है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी को हेंसेस डिजीज भी बोला जाता है, इसको कोढ़ भी बोला जाता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है कुष्ठ रोग, जो त्वचा तंत्रिका तंत्र म्यूकस झिल्ली मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में गांठ बन जाता है, हाथ पैर की उंगलियों उत्तकों का नष्ट होना ये आप लक्षण है इसके। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक तैयारी को कौन सी संस्था शासित करती है? तो वह होती है NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट है किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किए गए परीक्षण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रॉस वेबर टेस्ट, जो 1954 में बनाया गया मैक्सिमम मस्कुलर फिटनेस को मापने के लिए, तो न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए क्रॉस वेबर टेस्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट है हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है? तो सबसे उत्तम मापी जाती है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से, जिसको लुसीन ब्रोहा ने 1943 में बनाया है। नेक्स्ट है परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? तो दोस्तों परीक्षण का प्रयोजन यानी उद्देश्य जो है, जिस परीक्षण को जिस लिए बनाया गया है उसी चीज को मापे, तो उसका प्रयोजन मापता है वैधता, उसको कहा जाता है वैधता यानी कि वैलिडिटी, वैधता यानी कि वैलिडिटी। नेक्स्ट है उत्तेजित होने पर 110 माइक्रोसेकेंड में चरम तनाव पर पहुंचने वाला मांसपेशीय तंतु है, तो यह है ST यानी स्लो ट्विस्ट। नेक्स्ट है संरचना और गमन के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक अंतरापृष्ठ का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है एंथ्रोपोमेट्रिक में। एंथ्रोपोमेट्रिक जो है मानव शास्त्र, इसको बोला जाता है, ये मानव की ऊंचाई लंबाई गुणात्मक मात्रात्मक सभी संरचनाओं को अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है संभाव्यता से अभिप्राय है, तो संभाव्यता से अभिप्राय है महत्व का स्तर। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी का मूल अर्थ क्या है? किनेसियोलॉजी का मूल अर्थ है किनेसिस प्लस लोगस, गति, किनेसिस मतलब गति और लोगस मतलब विज्ञान, यानी किनेसियोलॉजी गति का विज्ञान है, गति विज्ञान है। नेक्स्ट है हवाई गति में 3 अभिविन्यास हो सकते हैं, क्या? ऊर्ध्वाधर, अनुप्रस्थ और झुकाव। इनमें से ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास में कौन सा शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा,
केवल घसीटना और उठाना नहीं शामिल है और सभी शामिल है, यानी कि अधिक से अधिक ऊंचा उठाना और कम से कम घसीटना, कम से कम उठाना, अधिक से अधिक घसीटना, यानी लाइट राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से निम्नलिखित से संबंधित हैं, तो यह संबंधित है ख, यानी कि खेल बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी का विशिष्ट भाग है। तो जो खेल बायोमैकेनिक्स है यह किनेसियोलॉजी का ही विशिष्ट भाग है। किनेसियोलॉजी मानव गति विज्ञान है और खेल बायोमैकेनिक्स क्या है कि जो मैकेनिक्स यानी जो उपकरण है, खेल के उपकरण, वो जो खिलाड़ी है किस प्रकार से कितना एंगल पर फेंकेगा, किस कोण पर फेंकेगा, ठीक है, क्या उसमें घर्षण बल लगेगा, कितना प्रतिरोधक क्षमता लगेगा, ये सभी चीजों का अध्ययन करता है। यानी कि खिलाड़ी द्वारा प्रयोग किए गए उपकरणों की गति का अध्ययन बायोमैकेनिक्स में किया जाता है और किनेसियोलॉजी में खिलाड़ी के गति का अध्ययन, शरीर के गति का अध्ययन किया जाता है। तो यानी किनेसियोलॉजी जो है वह खेल बायोमैकेनिक्स जो है किनेसियोलॉजी का ही विशिष्ट भाग है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी को मापने की विभिन्न पद्धतियां हैं, इनमें से स्प्लिट हॉफ मेथड से किसको मापा जाता है। स्प्लिट हॉफ मेथड यानी कि किसी समूह पर एक बार ही परीक्षण किया जाए, फिर उसके बाद दो समूहों में बांट दिया जाता है सम विषम संख्या में और दोनों में कोरिलेशन या सहसंबंध स्थापित किया जाता है। सहसंबंध अच्छा आया तो माना जाता है रिलेबल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ख आंतरिक संगति यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है प्रेक्षित और प्रत्याशित परिणामों ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बीच विसंगति के महत्व का सांख्यिकी परीक्षण किसके द्वारा उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है प्रेक्षण प्राथमिक स्रोत ऑब्जर्वेशनल प्राइमरी स्कोर से आंकड़े एकत्र करने की पद्धति है। इस पद्धति की एक मुख्य विशेषता है, तो क्या है इसकी मुख्य विशेषता? इसकी मुख्य विशेषता है प्रेक्षित व्यक्ति अपना व्यवहार बदल सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान यानी इंटीटियन रिपोर्ट में प्रारंभिक मामलों में शामिल है। तो इसमें प्रारंभिक मामलों में शामिल है मुख्य पृष्ठ, आभार, विषय सूची। नेक्स्ट है निम्नलिखित के ही दो माध्य यानी मीन के अंतर को अधिकतम हृदय गतिमान के बचे रहने को व्यक्त करता है। तो इसका सही जवाब है हार्ट रेट मैक्सिमम और 0.6 हार्ट रेट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है एक भारोत्तोलक का वजन 50 किलो है, वह 140 किलो का भाग क्लीन और जर्क तकनीक द्वारा उठाता है। ठीक है, एक भारोत्तोलक का वजन 50 किलो है, वह 140 किलो का भार क्लीन और जर्क तकनीक द्वारा उठाता है। इस भारोत्तोलक की सापेक्ष शक्ति की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2.8। गणना करने का सूत्र क्या होता है इसको मुझे भी नहीं पता है, और जब मिलेगा तो मैं इसको दे दूंगी। नेक्स्ट है किसी प्रेरक कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता से अभिप्राय है। तो किसी प्रेरक कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो इसका अभिप्राय है प्रेरक योग्यता यानी मोटिवेशनल एबिलिटी। ठीक है, किसी प्रेरक कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता यानी क्या अभिप्राय है, यानी उसके अंदर प्रेरक मोटिवेशन एबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट है व्यवसाय यानी बिजनेस के कुछ मानदंड यानी क्राइटेरिया होने चाहिए। कुछ मानदंड इस प्रकार हैं, तो यहाँ पे है सदस्यों की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। सीधे उत्तर पे चलते हैं दोस्तों क्योंकि इतना समय नहीं है। 32 का आपका ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ग यानी प्रश्न है व्यवसाय यानी बिजनेस को कुछ मानदंड होने चाहिए, कुछ मानदंड इस प्रकार है। तो यहाँ 2 और 4 राइट हो जाएगा। संप्रेषण के तरीके यानी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्यवसाय के निर्वचन के तरीके यानी कि इंटरप्रिटेशन
मेथड ऑफ बिजनेस, ए राइट होगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम आधारित किस पे होना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग। तो पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए मार्गदर्शी अनुभव पर, 1, 3, 4, 5 यहाँ पे राइट है, मार्गदर्शी अनुभव पर आधारित होना चाहिए, सीखने की योजना पर आधारित होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्ति के तरीके पर आधारित होना चाहिए, ज्ञान कौशल और समझ पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है नीचे शारीरिक क्षमता के घटक दिए हैं, उनमें से स्वास्थ्य संबंधी घटकों का सही योजनाएं बनाइए, ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसको मैं डिटेल में आपको थ्योरी सेशन में समझाई हूं। तो आपको देखना है कि हृदय संबंधी क्षमता, कार्डियो आर्टरी कैपेसिटी, ये भी आपको हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में आएगा, सारी संरचना फिजिकल स्ट्रक्चर यानी बॉडी कंपोजिशन भी आएगा, मांसपेशीय शक्ति और क्षमता यानी मसल्स पावर एंड स्ट्रेंथ भी आएगा, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगा, लेकिन गति आपका नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 आपका राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा के विश्लेषण यानी एनालिसिस और निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन में अपनाए जाने वाले मूल कदम है, तो इसमें मूल कदम क्या है, इसका राइट आंसर होगा क। यानी कि इसमें पहले 2 यानी डाटा का सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे, फिर 1 यानी कि परिणाम निकालेंगे, फिर 4 यानी परिणाम पर चर्चा करेंगे, फिर 3 यानी परिकल्पना का परीक्षण करेंगे। नेक्स्ट है संवेगात्मक यानी इमोशनल परिपक्वता विकसित करने के लिए संवेगात्मक यानी इमोशनल दक्षता होती है। क्या अगर हम इमोशनल परिपक्वता को विकसित करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति में संवेगात्मक इमोशनल दक्षता क्या होती है, तो इसको हमको छांटना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, उसके पास आत्म जागरूकता होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, एंड पारितोषण में देर, क्या पारितोषण में देर, यानी कि 1 और 4 आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा। यानी किसी व्यक्ति की इमोशनल परिपक्वता को विकसित करना है तो संवेगात्मक इमोशनल दक्षता होती है, तो आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस उसमें होता है, और परीक्षा में देर होने पर वो ज्यादा हताश नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है खेल के प्रति व्यक्तियों की अभिरुचि में परिवर्तन को किस सैद्धांतिक उपागम से स्पष्ट किया जा सकता है, खेल के प्रति व्यक्तियों की अभिरुचि में परिवर्तन को किस सैद्धांतिक उपागम से स्पष्ट किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा घ 1 और 4, यानी संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत एंड क्रिया प्रसूत अनु, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 3 होगा, क्या होगा, स्व प्रत्यक्षण सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत और स्व प्रत्यक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट है दुश्चिंता यानी एंजाइटी कम करने की तकनीक है, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुश्चिंता और यानी कि एंजाइटी को कम करने की तकनीकी क्या है, तो इसके तकनीकी हैं जियो फीडबैक एंड ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, जियो फीडबैक एंड ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, तो यहां पे हो जाएगा घ 1 और 3। नेक्स्ट है बताएं कि एक ग्रुप टीम कैसे बनती है, तो एक ग्रुप टीम कैसे बनती है, इसका हो जाएगा ख 1, 2, 4, 3, ठीक है, 1, 2, 4, 3, यानी कि पहले मानक द्वारा यानी स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड, ठीक, फिर संगठन द्वारा, फिर प्रदर्शन द्वारा, फिर धावा बोलना, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रक्रिया रिसर्च प्रोसेस में बहुत चरण होते हैं, जिनमें से कुछ हैं, तो यहां पे हो जाएगा क आपका राइट, इसमें से कुछ है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी अनुसंधान या रिसर्च के लिए समस्या का होना आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है, तो समस्या का पहले चयन करेंगे, फिर संगत साहित्य की समीक्षा करेंगे, फिर आंकड़े को संग्रह करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, इस सिक्वेंसली है आपका कॉर राइट हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है क्रिकेट की बाल को पकड़ने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं अपेक्षित होती हैं, एक
क्रिकेट की बॉल आ रहा है, आप उसको पकड़ना है, तो कौन कौन सी पोजीशन आपका होगा? तो सबसे पहले हम उसकी ऊंचाई को देखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ऊंचाई को देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊंचाई को देखेंगे, फिर उसके बाद बॉल आने की लाइन में स्वयं को उसी स्थान पर खड़ा रखेंगे, ठीक। उसके बाद बॉल को प्राप्त करेंगे, उसके बाद गिविंग पोजीशन, यानी कि 2-1-4-3, 2-1-4-3 किसमें है, कौन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चलते समय पैर की क्रिया के विश्लेषण यानी एनालिसिस से निम्नलिखित को जाना जाता है। चलते समय हमारा पैर का क्रिया कैसे होता है, तो यहाँ पे चलते समय पैर की क्रिया होगी, यहाँ पे ख राइट है, सबसे पहले क्या होगी, नीचे की ओर छूना, यानी कि जो टो है, पैर की टो है, टो डाउन रहेगा, फिर समावेशन यानी इंक्लूजन होगा, फिर तीसरा यानी सक्रिय तनन होगा, एक्टिव टेंसाइल होगा, उसके बाद क्या होगा, डोला चरण, यानी कि हाथ आगे पीछे करेगा एकदम किसी की तरह, झूले की तरह। तो यहाँ पे ये आपका सीक्वेंस होगा चलने की समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्टोरियस का कार्य है, क्या है, सार्टोरियस मसल्स का कार्य है, जिसको टेलर मसल भी बोला जाता है, एक पट्टा जैसी होती है, हमारे जांघ पे पाई जाती है, तो यह हमारे हिप का संकुचन और घुटने के विस्तार करने में काम आती है, एंड इसी पे होता है जांघ पे, ऊपरी जांघ पे क्वाड्रिसेप्स मसल्स, वो भी हिप का संकुचन और घुटने का विस्तार करती है, एंड घुटने को मोड़ने का काम करती है बाइसेप्स फेमोरिस, जो पीछे हेमिस्ट्रिक मसल्स होती है वो करती है घुटने को मोड़ने का कार्य। नेक्स्ट है ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट में अपनाए जाने वाले विषयों का अनुक्रम किस प्रकार होना चाहिए, यानी सीक्वेंस बाय कैसे कैसे उसको करना होता है, यह तो आपके सभी ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट में अंतर्गत आते हैं, 6 इवेंट, अच्छे इवेंट किस सीक्वेंस में करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है घ, यानी कि सबसे पहले किया जाएगा पुल अप्स, फिर किया जाएगा बेंट नी सीटअप, फिर किया जाएगा शटल रन, फिर किया जाएगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, उसके बाद 50 यार्ड डैश रन, उसके बाद 600 यार्ड रन, इस प्रकार। नेक्स्ट है क्रिया विभव में होने वाले सही घटनाक्रम पोटेंशियल निम्न दिए गए कोड में से निर्धारित कीजिए। दोस्तों एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से ही हमारा मांसपेशी कंट्रैक्ट होता है, तो इसमें जो घटनाक्रम एक्शन पोटेंशियल का होता है वो किस प्रकार सीक्वेंसली बाई होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ग, सबसे पहले अपध्रुवीकरण डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद सी बढ़ी हुई एन ए प्लस एन ए, जो सोडियम होती है बढ़ी हुई सोडियम की पारगम्यता, फिर घटी हुई एन ए प्लस की पारगम्यता, उसके बाद पुनः विध्रुवीकरण रीपोलराइजेशन, पुनः आपका वही स्थिति में आ जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के, तो इस प्रक्रिया को आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है जॉनसन बास्केटबॉल थ्रो के परिशुद्धता परीक्षण के लिए आयताकार लक्ष्य के माप कौन से हैं, तो यहां पर राइट आंसर होगा ख, यानी कि 2 20 × 10 इंच, फिर 4 × 25 इंच और 40 × 60 इंच। नेक्स्ट है सूची एक को सूची टू से सम्मिलित करना है, तो इसमें आपको कुछ मनोविज्ञान से रिलेटेड शास्त्रों से शब्द हैं, जैसे कि आपका राइट आंसर होगा जैसे कि दोस्तों नीति शास्त्र, नीति शास्त्र हमारे आचार विचार जिसमें दिया रहता है वो होगा, तो आपका डी का हो जाएगा 3। मूल्य मीमांसा आपका हो जाएगा
जिसमें मूल्यों के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में बात किया गया हो, तो सी का 4 हो जाएगा। एंड ज्ञान शास्त्र जिसमें सत्य का ज्ञान हो, सत्य हो जाएगा। पराभौतिक वास्तविकता से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोनों को आपको सुमेलित करना है। इसमें भी आपको खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक आधार पर शरीर की आयु ज्ञात करने की ये विधियां हैं, शरीर रचना आयु, क्रियात्मक आयु, कालक्रम आयु, मानसिक आयु। तो इसकी विशेषता के बारे में आपको देखना है। शरीर संरचना आयु किससे ज्ञात की जाती है? यह शरीर की अस्थियों से उसकी जानकारी होती है। तो यहाँ ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 किसमें दिया है? 2 में दिया है, देखते हैं आगे। शरीर क्रियात्मक आयु जो है, यह होगा जो शरीर में हार्मोनल चेंजेज होते हैं युवा अवस्था में, यौना आरंभ, हार्मोन्स का उत्सर्जन, एक राइट हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 आपका घ में दिया हुआ है। एंड कालक्रमिक आयु जो होता है, इसको कैलेंडर आयु भी बोला जाता है, विद्यालय स्कूल एज भी कहा जाता है। तो कालक्रमिक आयु ये होगा वर्ष, महीनों, दिनों में ज्ञात किया जाता है। चौथा है मानसिक आयु, यह समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसको गणना करने का सूत्र है IQ बराबर MA/CA गुणे 100, यानी मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घ, राइट आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको एक दूसरे से मिलान करना है। तो यहाँ पे प्राचीन सारी शिक्षा इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। गर्स मर्स कहाँ के थे दोस्तों? ये जर्मनी के थे, जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह ये कहे जाते हैं। बी है पर हेनिक लिंग, ये स्वीडन के थे, जिनके नाम पर लिंगयाड उत्सव मनाया जाता है। एंड नील्स जो है वह डेनमार्क के थे। आर्किवाल मैक्लेरिन जो है इंग्लैंड के थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है द्वंद, विकर्ष, अपील, सेक्स। द्वंद जो है आपका हो जाएगा, द्वंद से क्रोध उत्पन्न होता है, 4 हो जाएगा। एंड विकर्ष, डिस्ट्रैक्शन जब होता है तो घृणा उत्पन्न होती है, तो बी का 1 हो जाएगा। ए का 4 और बी का 1, ए का 4, बी का 1। एंड अपील का हो जाएगा सी का 2, अपील का हो जाएगा 2 यानी व्यथा। सेक्स का हो जाएगा डी का 3, लालसा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। तो दोस्तों ये था 50 MCQ क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चन थे। और इसी तरह आप क्वेश्चंस को हल करते जाएंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।